आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैल्यूएशन होता क्या है एक्चुअली में, और इसकी पूरी सीरीज ऑफ वैल्यूएशन पे वीडियोस में बहुत जल्द आपके लिए यूट्यूब में लाने वाला हूं, तो बने रहिएगा ऐसे ही और पूरा वीडियो वॉच करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग होता क्या है, करता कौन है, और उस वैल्यूएशन को करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वैल्यूएशन में जो एक वर्ड आ रहा है वैल्यू, तो उस वैल्यू का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज की वैल्यू मतलब उसकी वर्थ होगी कुछ ना कुछ। तो ये जो वर्थ है, यहां पे मैं किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, जितने भी हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ जो भी चीज हो, कोई भी चीज की वैल्यू सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करती है कि उसका डिमांड और सप्लाई कैसा है। जैसे अगर कोई फ्लैट सिस्टम है, अगर कोई फ्लैट बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो एक अच्छे एरिया में फ्लैट बन रहा होगा और वहां लोग खरीद रहे हैं वहां पे फ्लैट, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पर वहीं पे ही एक ऐसी जगह फ्लैट है जहां पे कोई उसको परचेस नहीं कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बन पा रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो रेट होगा वो कम होगा। तो इसी चार्ट पे डिपेंड करता है कंप्लीटली कि जो हमारी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉस्ट रहता है। अगर लो कॉस्ट होगा तो लो वैल्यू, हाई कॉस्ट होगा तो भी लो वैल्यू, उस पर हम टारगेट नहीं कर सकते। हमारा टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट में हाई वैल्यू मिल सके। लो कॉस्ट में भी हम वो हाई वैल्यू अचीव कर पा रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो वैल्यू हमारे लिए कितनी मैटर करती है। तो उसी वैल्यू पे बात करेंगे तो एक ही चीज बस कि वर्थ ऑफ समथिंग। और वैल्यूएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी एक बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी एक चीज हो, उसकी फेयर प्राइस को जानते हैं। तो अगर मैं इसको बिल्डिंग से जोड़ूं तो डायरेक्टली क्या होता है कि जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है या जो करंट वैल्यू है, सपोज मान के चलो कि आपने 10 साल पहले एक घर खरीदा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको जाननी है। अब ये वैल्यूएशन करवाने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, चाहे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, या उसको मॉर्गेज में रखने के लिए, चाहे जो भी रीजंस हो, आप ये जानना चाहोगे कि 10 साल पहले उस प्रॉपर्टी की मेरी क्या वैल्यू थी और 10 साल बाद वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू को, करंट वैल्यू को जानना ही वैल्यूएशन है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको एज उसकी पता होनी चाहिए कि उस बिल्डिंग को एज कितना हो गया। जैसे मैंने बोला 10 साल, तो कभी भी आपको वैल्यूएशन करना होगा तो लाइफ, उसकी एज, ये जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जब भी हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो लगभग 60-80 ईयर्स की हम एक लाइफ स्पान लेके चलते हैं, पर एज पे डिपेंड करता है कंप्लीटली कि उसकी करंट प्राइस क्या होगी बिल्डिंग की। तो वैल्यूएशन बस वही होता है कि आज के डेट में करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना ही वैल्यूएशन है। अब जैसे बात करें कि वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं नेचर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स, नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर, स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ भी होगी। अगर माइवान स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माइवान का तो 120-130 साल का लाइफ स्पान बोलता है। तो ये जो लाइफ है ना, लाइफ, उस पर भी आपको डिपेंड करता है। फिर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। जब आपने अपना घर कंस्ट्रक्ट किया तो हो सकता है 5 साल बाद आपने उसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस वर्क कराया होगा, और फिर 10 साल बाद अगर आप उसकी करंट वैल्यू जानना चाहेंगे तो मेंटेनेंस का भी जो रोल है वो भी आता है उसके करंट प्राइस में, कि हाँ 5 साल में आपने मेंटेनेंस किया था, उसमें जो कॉस्ट लगा वो भी आपके करंट प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि जो अच्छी भीड़ भाड़ पॉश इलाका होता है वहां पे हमेशा रेट्स क्या होते हैं, हाई होती हैं, वैल्यूज हाई होती हैं। और वहीं पे ही एक नॉर्मल अगर कहीं पे झोपड़ी है वहां पे आपको घर लेना है तो ऑब्वियसली सस्ते में भी मिल सकता है, बट कंप्लीटली डिपेंड करता है लोकेशन पे। फिर बैक इंटरेस्ट चार्ज ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब अगर मॉर्गेज में देना है सामने वाले को तो कितना परसेंट चार्ज करती है बैंक उसके करंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। जैसे नॉर्मली अगर आप अभी आप घर बनाने जाते हैं, सपोज 1 लाख का आपको लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट उसमें आपको हो सकता है कि 80,000-85,000 तक के आपको लोन सैंक्शन कर दे। सिमिलरली जब आप वैल्यूएशन के तौर पे उस प्रॉपर्टी को लीज पे रखना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है, उससे भी हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। लीगल कंट्रोल, बेसिकली अगर आपके नाम पे नहीं होगी वो प्रॉपर्टी तो आप बेच नहीं सकते। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द स्ट्रक्चर एट अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब उस टाइम पे, जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस बदल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, तो उस टाइम पे जब वो बना था तो उसमें किस मेथड का यूज किया गया था और उस मेथड की आज करंट वैल्यू क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा। और लास्ट, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, ये बहुत जरूरी है कि पर्पस क्या है, बाय करना है, सेल करना है, मॉर्गेज में देना है, व्हाट एवर में बी द रीजन, वो डिफाइंड होना चाहिए। तो वैल्यूएशन इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब बात करें कि वैल्यूएशन करता कौन है, वो करता है वैल्यूअर।
वैल्यूअर का काम होता है वैल्यूएशन करना, और वैल्यूअर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करूं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, एकदम कि पूरे प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चरल ड्राइंग देखकर आपको उसको पूरा एस्टिमेशन बनाना आता हो, चाहे कोई भी मेथड आप एस्टिमेशन का यूज कर रहे हो। दूसरा प्लानिंग एंड डिजाइन, सर्वेइंग एंड लेवल लॉन्ग, बिल्डिंग बायलॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर टाइप्स, एक्विजिशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, टाउन प्लानिंग एक्ट, आर्बिट्रेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कमर्शियल मैथ्स, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, इंश्योरेंस, मनी मार्केट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेशन और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये समझ लो इतनी सारी चीजें सीखने के बाद एक आदमी वैल्यूअर बनता है। और सिर्फ इतना सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक वैल्यूअर बनने के लिए आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप बीई या डिप्लोमा वाले हैं तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप पीजी करते हैं, एमटेक करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, रूरल प्लानिंग में, तो वो भी आपकी इसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो इतनी सारी चीजें सीखने के लिए ऐसा नहीं कि एक साल में हम इसको सीख गए और जाके सीधे एग्जाम देके वैल्यूअर बन गए, पर आपको वहां पे अपना एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। लगभग 5 साल तक का एक्सपीरियंस आप शो करते हैं तब जाके आप एक वैल्यूअर बन सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी चीजें कुछ बेसिक्स थी जो वैल्यूएशन पर डिपेंड करती है। वैल्यू वर्थ ऑफ समथिंग, और कोई भी किसी भी चीज की वर्थ डिपेंड करती है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे। वैल्यूएशन करना मतलब किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी बिल्डिंग की करंट वैल्यू को डिपेंड और उसको करंट वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एज और उसकी लाइफ पता होना चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए, लोकेशंस, ये सारी चीजों के बाद एक वैल्यूअर बनता है। और वैल्यूअर को इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये तो कुछ था कि वैल्यूएशन का बेसिक। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन वैल्यू, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सारी चीजें, सैलवेज वैल्यू, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो बिल्कुल इस पे अगला वीडियो मैं बिल्कुल आप लोगों के लाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उसी से ही मैं नेक्स्ट पार्ट को लाने की मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। तो आई होप इंजीनियर्स ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह से YouTube चैनल पर वैल्यूएशन के और भी इंटरेस्टिंग कोर्सेज के साथ।